नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी दो अपडेट्स की बात करेंगे। तो चलिए पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने ये बताया है कि इंडियन एथलीट्स का जो पहला बैच रहेगा, जो क्वालिफाइड इंडियन एथलीट्स हैं, उनका पहला बैच टोक्यो के लिए 14 जुलाई को रवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो एयर इंडिया चार्टर फ्लाइट के थ्रू टोक्यो पहुंचेंगे। अगर बात की जाए बाकी क्वालिफाइड इंडियन एथलीट्स की, तो बाकी एथलीट्स 16 से 19 जुलाई के बीच टोक्यो के लिए रवाना होंगे। जैसे कि वहां पे पहुंचने के बाद पेंडेमिक के कारण 3 दिन का इंडियन एथलीट्स को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जो कि ये 3 दिन जो है वो 0 डे काउंट किए जाएंगे। तो ये थी पहली अपडेट जिसमें सामने ये आ गया है कि जो पहला बैच रहेगा वो 14 जुलाई को टोक्यो पहुंचेगा। साथ ही जो दूसरा बैच यानी कि बाकी सभी इंडियन एथलीट्स 16 से 19 जुलाई के बीच, यानी फाइनल अगर हम बात करें तो 19 जुलाई तक सभी इंडियन एथलीट्स टोक्यो पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट ये है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की ओर से कौन से ऐसे एथलीट्स से जो भारत का जो झंडा है वो वहां पे फहराएंगे, यानी कि फ्लैग बेयरर्स होंगे। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो 6-time वर्ल्ड चैंपियन और लंदन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट MC मैरीकॉम आप सभी को नजर आएंगी। साथ ही अगर हम दूसरे फ्लैग बेयरर की बात करते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी में ही MC मैरीकॉम के साथ आप सभी को मेंस हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह भी नजर आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर की। तो क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया होंगे। जी हाँ दोस्तों, बजरंग पुनिया से वैसे भी बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए ज़रूर एक ओलंपिक मेडल जीत कर आएंगे। साथ ही उन्हें फ्लैग बेयरर की भी जिम्मेदारी थमा दी गई है। अगर हम बताएं तो ये पहली बार है कि भारत की ओर से 2 एथलीट्स आप सभी को भारत का झंडा पकड़े हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बार एक महिला और एक पुरुष फ्लैग बेयर के तौर पे आप सभी को नजर आएंगे। अगर बताएं 2016 रियो ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में शूटर अभिनव बिंद्रा ने भारत का झंडा फहराया था, यानी कि फ्लैग बेयर किया था। और अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो उसमें रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक फ्लैग बेयरर बनी थी। तो चलिए ये थी आज की अपडेट आप सभी के लिए। तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।